हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राहुल सिंह और आज मैं एक ऐसे कानून लेके आया हूँ, अगर जिसे बना दिया जाए तो हिंदुस्तान की गरीबी मात्र एक साल में जड़ से ख़त्म हो जाएगी। गरीबी ही नहीं, चोरी, डकैती, फिरौती, फ्रॉडी, स्कैम सब जड़ से ख़त्म हो जाएंगे अगर ये कानून भारत सरकार बना दे। लेकिन इशू ये है कि भारत सरकार ये ऐसा कानून कभी नहीं बनाएगी जिसमें उसको नुकसान हो, क्योंकि ये कानून गरीबों के लिए बनेगा, जिससे कि हालांकि उस कानून के फ़ायदे बहुत सारे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वो कानून बताऊंगा कौन सा है और उस कानून के फ़ायदे और नुकसान बताऊंगा, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे कानून को जिसे बनाने से अमीरों को दिक्कत होगी, कंपनी वालों को दिक्कत होगी, नेताओं को दिक्कत होगी और अभिनेताओं को दिक्कत होगी, लेकिन देश के जितने भी नौकरी पेशा वाले लोग हैं या मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं या किसान लोग हैं, सभी को भरपूर फायदा होगा। तो ये कानून है सैलरी ख़त्म करने का कानून, यानी जो आज की डेट में किसी बंदे को सैलरी जो मिलती है ना, इस सैलरी को बिल्कुल ही जड़ से ख़त्म कर दिया जाए तो हमारा देश पूरी तरीके से गरीबी मुक्त हो जाएगा। अब कैसे होगा, आप समझने की कोशिश करना। सैलरी की जगह पे परसेंटेज होना चाहिए। जैसे मान के चलो कोई कंपनी है और वो कंपनी जैसे 100% है और उसमें जो है चार लोग काम कर रहे हैं, तो चार लोगों में उस कंपनी का सारा पैसा डिवाइड होना चाहिए, यानी कि 25-25% आना चाहिए। तो देखो, सैलरी ख़त्म होने से कैसे लोग मतलब ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे और गरीबी कैसे ख़त्म होगी, तो एक मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ, उसकी मदद से आप समझने की कोशिश करना। एक बंदे ने 10 लाख रुपये की एक कार ली, ठीक है। अब उस कार को चलाने के लिए उसको ड्राइवर भी चाहिए, तो उसने 15,000 रुपये में एक ड्राइवर रख लिया। तो अब जो खर्चा जो निकालने हैं हमको, तो कैसे निकालने हैं सोच के देखना। एक 10 लाख की कार से एक महीने में 4 लाख रुपये कमाए, अब 4 लाख रुपये में 4 जन हो गए, एक ड्राइवर हो गया, एक गाड़ी का मालिक हो गया, एक गाड़ी का फ्यूल वगैरह खर्चा हो गया और एक हो गया गाड़ी का इंस्टॉलमेंट। तो मतलब ये 4 खर्चे हो गए। अब 4 लाख में ये चीज़ें 4 जगह बांट दो तो 1-1 लाख रुपए पर हिसाब से आया। तो अभी क्या है कि आज की डेट में सैलरी है तो ड्राइवर को 15,000 में ही ख़त्म हो जाता है, लेकिन जब ये सैलरी हट जाएगा और परसेंटेज पर आ जाएगा तो एक ड्राइवर की सैलरी हो जाएगी 1 लाख रुपये। तो वैसे ही जैसे अब मान के चलो गांव में कोई खेत कर रहा है, तो एक जो ज़मींदार ने 50 बीघा खेत लिया, 50 बीघा में 10-10 हज़ार रुपये में 4 मजदूर लगा दिए, उन्होंने पूरे साल उसमें काम किया, तो उनका जो प्राइस बना मतलब पूरे साल का 4,80,000 के आसपास बना। लेकिन अगर मान के चलो उनको सैलरी ना दे के परसेंटेज दी जाती तो एक साल में 50 बीघा में जो प्रॉफिट हुआ वो 30-35 लाख का हुआ। तो 30-35 लाख के हिसाब से उनके हिस्से में जो पैसे आते तो वो हो सकता है 5-5 लाख रुपए आते, तो कहाँ उन्होंने 1 लाख कमाया और कहाँ वो 5 लाख कमाते। तो आज की डेट में आप इतना देख लो कि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। तो अमीर जो हो रहा है ना, वो गरीब के पैसों से हो रहा है। क्योंकि देखो भाई, एक कोई भी कंपनी उठा के देख लो, एक कंपनी है, उस कंपनी में 50 लोग काम कर रहे हैं। अब 50 लोगों को 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार दोगे तो भाई बंदा तो अमीर होगा ही। अब देखो, एक चीज़ से आप समझ के देख लेना, ऐसा क्या कर देते हैं लोग, कुछ पैसा लगा के पूरी ज़िंदगी भर ऐश मौज करते हैं। मान के चलो एक स्टूडियो, फ़ोटो स्टूडियो है, अब एक बंदे ने स्टूडियो खोला, मान के चलो उसने 10 लाख रुपए लगाया, 10 लाख रुपए में स्टूडियो बन के तैयार हो गया। अब उसमें उसने एक वीडियोग्राफर रखा, एक फ़ोटोग्राफर रखा, एक एडिटर रखा और एक जो प्यून रखा, तो ये 4-5 लोग हो गए, मतलब 5 लोग एक स्टूडियो को चला रहे हैं। अब उसमें जो उनकी सैलरी क्या है, एडिटर की सैलरी 20,000 है, फ़ोटोग्राफ़र की 15,000 है, वीडियोग्राफ़र की 15,000 है, प्यून की 10,000 है, तो ये सैलरी हो गया। अब लगा लो 15, 20, 30, 40, 50, 60 हज़ार, महीने का 60,000 रुपया मात्र खर्चा है स्टूडियो का। अब उसमें कमाई कितना हो रहा है,
आप अंदाजा लगा सकते हो, एक एक मतलब सूट का 50-50 हज़ार रुपये आ रहा है। तो अब उस स्टूडियो की जो कमाई है मान के चलो 10 लाख रुपया महीना है, और उसका खर्चा कितना आ रहा है 1 लाख रुपया, तो 9 लाख रुपया मात्र एक स्टूडियो बनाने से ही कमा के ले जा रहा है बंदा। तो ये नहीं होना चाहिए, सैलरी ख़त्म होना चाहिए, परसेंटेज पे काम होना चाहिए। अगर एक कंपनी या एक शॉप के अंदर 10 लोग काम कर रहे हैं तो 10ों को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, कट पिट के सब कुछ एकदम, बिजली का बिल जाना चाहिए, मतलब जो भी खर्चे हैं जितने भी खर्चे हैं सबका हिस्सा अलग अलग होना चाहिए, ये सैलरी बेसिस पर होना ही नहीं चाहिए। आज की डेट में देखो एक डॉक्टर है, रिटायर डॉक्टर है, 1.5-2 लाख उसको पेंशन मिल रही है, उसने एक क्लिनिक खोला 2-3 लाख 4-5 लाख रुपए लगा के, उसमें एक रिसेप्शनिस्ट को रखा, एक नर्स को रखा, एक ड्राइवर को रखा। अब वो डॉक्टर 2000 रुपये पर पेशेंट फीस चार्ज करता है, सारी मेहनत वो 3 लोग करते हैं, नर्स पूरा मतलब पेशेंट को शुरू से एंड तक देखती है, इंजेक्शन लगाती है, पट्टी करती है, उसकी देखावारी करती है, रिसेप्शनिस्ट फ़ोन पे बातें करती है, कस्टमर को पटाती है, बुलाती है, टाइम स्लॉट करती है और सबको देखावारी रखती है, ड्राइवर मतलब पूरे क्लिनिक का भार संभालता है, किस चीज़ की कमी है, क्या लाना है, मार्केट जाना है, घर का काम करना है, प्रेस कराने हैं, मतलब ना जाने कितने काम होते हैं एक ड्राइवर पे वो सारे काम। और जो डॉक्टर है रिटायर है, आराम से बैठा है, पेशेंट को 5-6 मिनट में देख के ख़त्म हो जाता है। लेकिन अब सैलरी कितना है, डॉक्टर पर डे कमाता है 1 लाख रुपया, लेकिन सैलरी नर्स को 20 हज़ार दे रहा है, रिसेप्शनिस्ट को 20 हज़ार दे रहा है, 15 हज़ार ड्राइवर को दे रहा है, टोटल 55 हज़ार रुपये खर्च करता है, और महीने की इनकम कितनी है 30 लाख रुपये। तो ये नाइंसाफ़ी हो रहा है हम इंडियन के साथ में। अब आप एक चीज़ और सोच के देखो कि सुंदर पिचाई गूगल का CEO अगर वो इंडिया की किसी कंपनी में होता तो क्या उसकी सैलरी आज इतनी होती जितनी आज है, और क्या वो इंडिया की किसी कंपनी में इतने बड़े बड़े ऐप बना पाता जो आज पूरी दुनिया में हर फोन में आपको देखने को मिल ही जाते हैं, कर पाता? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इंडिया ही नहीं हर देश की हर एक कंपनी में एक सुंदर पिचाई बैठा है, लेकिन उसकी काबिलियत को लोग देखने वाले नहीं हैं या उसको सही कीमत नहीं दे रहे हैं, ये सारी वजह हैं। अगर सुंदर पिचाई से सवाल पूछा जाए कि आप अगर इंडिया के किसी कंपनी में होते तो आपकी क्या सैलरी होती, तो उनका जवाब सुन के आप भी शॉक हो जाओगे, क्योंकि इतना सैलरी उनको कोई देता ही नहीं इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया में क्या है 10 हज़ार रुपये दे के सोचते हैं कि इससे पूरा मतलब जितना काम करा सको करा लो, ऐसे सोचते जैसे खरीद लिया हो। और अच्छा एक सवाल और बता दूँ आपको, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता होगा, सोच के देखो, अगर जो मैं जवाब दूंगा अगर वो आए तो कमेंट कर देना। सबसे ज़्यादा मेहनत करता है छोटू, पियोन, हेल्पर, क्योंकि एक बैंक में अगर 50 कर्मचारी हैं और वहाँ पे एक पियोन है तो उस पियोन की कितनी मिट्टी ख़राब होती होगी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये प्रिंट आउट दे दे, वो दे दे, ये पेन ड्राइव लिया, ये फाइल वहाँ पहुँचा दे, मेरे को चाय दे दे, मेरे को पानी दे दे, मेरी गाड़ी साफ़ कर दे, मेरे घर जाके मतलब घर को साफ़ कर दे कि आज मेरा ये नहीं आया, आज मेरे कपड़ों पे प्रेस करा ले, भाई इतने सारे काम। और वो बंदा बैंक खुलने पे सबसे पहले आता है और बैंक बंद होने के बाद में घर जाता है, कितनी मेहनत करता है। एक छोटू जो आपको किसी भी ढाबे या रेस्टोरेंट पे मिल जाता है वेटर के रूप में या वैसे काम करते, उस पे भी यही अत्याचार होता है भाई, ऐसी मतलब कौन सी उसने गुनाह कर दिया जो आप उसको इतनी बुरी तरीके से रेल मानते। बंदा 1 मिनट के लिए बैठ नहीं सकता है, वो बंदा सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, और ताज्जुब की बात यह है कि उसको सैलरी सबसे कम दी जाती है। तो मैंने जब ये रिसर्च किया ना कि सैलरी जैसा शब्द होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये शोषण करने का सबसे अच्छा तरीका है सैलरी। अब देखो एक बंदा है जो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है, उसको नौकरी करते हुए 25 साल हो गए हैं, और पता है वो खुश किस चीज़ से क्यों नौकरी कर रहा है वहाँ पे? वो इसलिए नौकरी कर रहा है क्योंकि उसके मालिक ने उसकी बेटी की शादी में 50 हज़ार रुपये दे दिया,
बेटे की पढ़ाई में 20,000 दे दिया, दूसरी बेटी की शादी हुई तो उसमें 1,00,000 रुपये दे दिया, तो वो बोल रहा है मालिक मेरा बहुत अच्छा है। अरे भाई, मालिक वालिक कोई अच्छा नहीं है, तुम जो काम कर रहे हो ना वो सस्ते में कर रहे हो, 15,000 में कर रहे हो, जबकि इसी काम का कोई और बंदा होता तो वो 20-25,000 रुपये लेता, तो इसका मतलब तुम्हारा मालिक तुमसे 10,000 रुपये महीने के बचाता है, और तुमको 25 साल हो गए तो आप लगा लो कि वो कितना पैसा आपसे कमा चुका है उल्टा, तो तुमको अगर वो 1-2 लाख रुपए खर्च भी कर देगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तक कि हमारी सरकारें भी ऐसा ही करती हैं। अब जैसे कोई सरकारी नौकर है, सरकारी नौकर को उसकी कैपेसिटी होती है 1,00,000 रुपया महीना कमाने की, लेकिन सरकार उसको ऑफर करती है 70,000 रुपये। अब 70,000 में वो कुछ टैक्स भी लगाती है तो वो भी कटता है। अब बाद में जो रिटायरमेंट के बाद में कुछ थोड़ा बहुत फंड दे देती है और रिटायरमेंट देती रहती है, तो लोग सोचते हैं कि सरकार हमको दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो हमारा ही पैसा हमको रिटर्न आता रहता है और वो उस पैसे से कमाती भी है, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो एक्चुअली में सैलरी बाबूजी होना ही नहीं चाहिए। अगर नेता तुमको बिजली फ्री दे रहा है, पानी फ्री दे रहा है, या तुम्हारे घर में 5 किलो अनाज पहुंचा रहा है तो मत करो कुछ भाई, क्योंकि इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। अब एक चीज़ बताओ, गरीब आदमी को बिजली फ्री देने का क्या फ़ायदा है? ना तो गरीब आदमी के घर में ना फ्रिज है, ना वॉशिंग मशीन है, ना टीवी है, ना एसी है, तो वो फ्री बिजली का करेगा क्या? सोचने वाली बात है ना। अगर नेता लोग आपको फ्री में जॉब दे रहे हैं, आपको बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, तो इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कोई नेता आपसे बोले कि मैं इस सैलरी जैसे सिस्टम को ख़त्म कर रहा हूँ, परसेंटेज पे होगा, सबको आधा आधा मिलेगा, कितनी भी बड़ी कंपनी है, कितनी भी छोटी कंपनी है, कट पिट के जितना आएगा हिस्से में उतना आएगा, तो लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा सक्सेस होंगे। आज की डेट में आपको बता दूँ कि लोगों को सैलरी पुराने ज़माने के हिसाब से, एक्चुअली हमारा हिंदुस्तान तो था ही गुलाम और आज भी गुलाम है, पहले जो अंग्रेज़ों के साथ हाथों के गुलाम था, अब जो है कुछ अमीर हाथों के मतलब गुलाम है उनके हिसाब से, तो देखा जाए। अब क्या ही बताएं यार, मैं तो सोच सोच के मेरा जो ना दिमाग इतना हैंग हो जाता है कई बार कि कुछ बता नहीं सकता हूँ मैं। मतलब जब मैं रिसर्च करता हूँ ना ऐसी, तो बहुत कुछ सोचता हूँ। तो अभी आपको बता दूँ, बाबा भीमराव अंबेडकर ने एक छोटे तबके को, मतलब छोटी कास्ट वालों को ऊपर लेके आए, लड़कियों को पढ़ाने के लिए उन्होंने किया, लड़कियों को नौकरी दिलाने के लिए उन्होंने ऐसे बहुत से मतलब काम किए। तो अगर आज की डेट में कोई ऐसा कानून लेके आएगा कि जिसमें सैलरी जैसी शब्द ख़त्म कर दिया जाए, परसेंटेज पे आ जाए, तो मैं यकीनन कह सकता हूँ वो दूसरा अंबेडकर ही होगा कोई, क्योंकि ये कानून बनाने के लिए, अब देखो भाई, नुकसान नेताओं को होगा, अभिनेताओं को होगा, बिजनेसमैन को होगा, जिसका भी छोटा मोटा कंपनी होगा, जिसके नीचे 4-5 लोग काम कर रहे होंगे, तो वो क्यों इस कानून को बनने देगा? लेकिन एक चीज़ तो मैं बता देता हूँ, मैं अपनी गरीबी दूर कर सकता हूँ, क्योंकि मैं मान के चलो मैं एक गधा हूँ और मैं जो 20,000 कमा रहा हूँ, अगर मैं 10 गधों को रख लूँ और उनको 15-15,000 दूँ, और 15,000 में उनके 5-5,000 मैं ले लूँ, तो मेरी सैलरी तो महीने का 60,000 हो जाएगी, वो मेहनत करेंगे तो उनसे 6 गुना ज़्यादा पैसा मैं कमाऊँगा। तो अपनी गरीबी तो कोई भी इंसान दूर कर सकता है, गरीबी करनी है हमें, देश की गरीबी दूर करनी है। अगर देश की गरीबी दूर हो जाएगी, चोरी, फ्रॉड, डकैती, स्कैम सब दूर हो जाएंगे। पता है चोरी क्यों करते हैं लोग, फ्रॉड क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास में फाइनेंस प्रॉब्लम होती है, तब वो फ्रॉड करते हैं, तब वो चोरी करते हैं। जब कोई देश जो पैसे से जूझ रहा होता है तो वहाँ पे क्राइम बढ़ जाता है, क्योंकि लोगों के पास में खाने के लिए नहीं होता, पैसे नहीं होते, कपड़े लत्ते नहीं होते, तो उनके पास में एक ही चारा बचता है कि किसी को लूट लो तो कम से कम 5-6 दिन का गुजारा चल जाएगा। तो देश को अमीर बनाना है तो पहले हमें गरीब बनना पड़ेगा। अगर ये सैलरी वाला सिस्टम हटा दिया जाए तो देश मतलब 1-2 साल तो मतलब ऐसे लगेगा कि हम बहुत तेज़ी से नीचे जा रहे हैं, लेकिन 1-2 साल के बाद में हम बाउंस बैक करेंगे, और जो पैसा मार्केट में आज 50 की स्पीड से एक दूसरे के पास जा रहा है ना, उसकी स्पीड 100 हो जाएगी और हमारी GDP में बहुत तगड़ा सुधार आएगा। और जो कंपनियां आज किसी छोटी से छोटी कंपनी का टर्नओवर अगर 5 लाख है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 2-3 साल बाद उसी कंपनी का टर्नओवर 15-20 लाख रुपये होगा, और वो भी
मतलब सैलरी काट के, मतलब सैलरी ना दे के जो परसेंटेज देते ना उस हिसाब से 15-20 लाख रुपए टर्नओवर होगा, तो ऐसा तरक्की हो सकता है। लेकिन हम ऐसा लंबा सोचने में कुछ डरते भी हैं, लेकिन नेता अपनी गरीबी दूर करने आते हैं ना कि हमारी। तो आप ज़रा सोचना कि ऐसा कानून अगर हो जहाँ पे सैलरी ही ना हो, परसेंटेज पे काम करें, तो कैसा रहेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन शायद मैं आपको समझा पाया हूँ या नहीं पाया हूँ वो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ आप थोड़े बहुत तो समझ ही गए होंगे। अगर समझे हो तो वीडियो में ज़रूर कुछ लिख के जाना। थैंक यू सो मच।